नमस्ते एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आज की रीडिंग मैंने करी है मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले हम निकालेंगे ओरेकल कार्ड्स। मैसेज फ्रॉम यूट्यूब पर्सन, मैसेज फ्रॉम पीस, फ्रेंडशिप, डिसिप्लिन, तो बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके साथ क्या है। मजीशियन, एट सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, तो देखिए डेफिनेटली आज आपके पर्सन की तरफ से बड़ी ही पॉजिटिव और होपफुल वाइब्स आ रही हैं। मतलब वो फ्यूचर को लेके बड़ा ही होपफुल है। तो आपके पर्सन जो हैं वो आपको ये मैसेज में बोलना चाहते हैं कि वो आपके एंड आपके बीच, आप दोनों के बीच में पीस चाहते हैं। पीस मतलब शांति। अगर कोई भी आपके बीच में ऐसे ही लड़ाई झगड़े मतभेद हुए हैं या कॉन्टैक्ट बंद हो गया है, तो वो आपके, आप दोनों के बीच में पीस चाहते हैं। एंड उसके नीचे मजीशियन आया है, मतलब कि वो इस पीस को सिर्फ ये ही नहीं कि बातों में आपको पीस बोलना चाहते हैं कि नहीं भाई अब तो बहुत हो गया हमें कनेक्शन में, शांति या लड़ाई झगड़ा नहीं करने। नहीं, वो इस पीस के लिए, इस शांति के लिए एक्शन करने को भी तैयार हैं। इस शांति को मैनिफेस्ट करने के लिए वो कर्म करने के लिए भी तैयार हैं। मैजिशियन क्या होता है, जो कि एक्शन से कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करता है ना, कुछ भी चीज़ अपने मन की चीज़ वो बनाता है, करता है ना। और वो आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप भी चाहते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इसके नीचे फ्रेंडशिप तो चाहते हैं, पर ये जो नीचे कार्ड आया है ना सेवन ऑफ पेंटिकल्स का, इससे मैं आपको बता दूं डेफिनेटली बहुत ही लाउड एनर्जी आ रही है इन दोनों कार्ड से कि आपके पर्सन जो हैं वो आप दोनों के बीच की फ्रेंडशिप को मिस कर रहे हैं। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग को बहुत अच्छे फ्रेंडशिप वाली जोन में थे पहले, चाहे जो भी आपका रिलेशनशिप हो, पर आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। तो ये जो फ्रेंडशिप है उसको वो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड आपके जो पुराने चैट्स वगैरह होते हैं वो सब रीड करके वो बहुत मिस कर रहे हैं। एंड डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माय माइंड टू। तो इसका मतलब ये है कि देखिए उनको पता है कि वो पुराने पिछले पास्ट के बहुत सारे बैगेजेस लेकर चल रहे हैं। बैगेजेस मतलब बहुत सारी ऐसी उनकी मन में बातें थीं, बहुत सारे ऐसे वो कहते हैं ना ईगो लेयर्स, और बहुत सारी ऐसे दुख थे जो वो लेकर चले जा रहे थे अपने लाइफ में। फिर जब आप मिले तो क्या हुआ, उन्होंने ये सारा जो भी अपना भार था वो आप पर भी निकाल दिया। मतलब कहते हैं ना कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल देना। ऐसी जो मतलब पास्ट में उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, या उनके ट्रॉमा थे, दुख थे, या पास्ट की यादें थीं दुख भरी या बुरी उनके अनुभव रहे होंगे, तो उन्हीं बुरे अनुभवों का जो उनका पेन था, गुस्सा था या हेट थी, वो सब आपको भी झेलना पड़ा, आपके कनेक्शन को झेलना पड़ा। तो अब वो आपसे कहना चाहते कि ये जो भी वो पुराना लेकर चल रहे थे ये सब बोझ, वो सारा बोझ उतार कर एक पीस चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और वो सिर्फ ये चाहते ही नहीं है, वो इसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना चाहते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब कि सच में इसके लिए काम करना चाहते हैं वो, है ना। सिर्फ बातों बातों में ही नहीं इस कनेक्शन को रखना चाहते हैं, वो रेडी हैं इन सब चीज़ों के लिए एक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो ये आपके पर्सन का मैसेज था। तो ज़रा मैं आपके लिए भी एडवाइस देख लेती हूँ कि इस रीडिंग को तो आपने देख लिया, एंड डेफिनेटली ये रीडिंग देखने के बाद काफ़ी लोगों में पॉजिटिव इमोशंस रन करने लगेंगे, है ना। तो हम ज़रा भगवान की तरफ से आपके लिए भी मैसेज देख लेते हैं, गाइडेंस मैसेज, कि आपको इस सिचुएशन में इस रीडिंग से आपको क्या करने की ज़रूरत है ना, कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो माता रानी बताइए कि YouTube व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इनको क्या करना चाहिए। YouTube व्यूअर्स को बहुत उड़ उड़ के कार्ड आ रहे हैं। मैं कह रही थी ना आप लोगों की, आपके अंदर पॉजिटिव
इमोशंस बिल्कुल चार्ज हो जाएंगे और वही पॉजिटिविटी इन कार्ड्स में आई है. कार्ड्स उड़ रहे हैं बिल्कुल, मैं शफल कर रही हूँ, तो देखते हैं यूट्यूब व्यूअर्स को क्या करना चाहिए. देखते हैं यूट्यूब व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, देखते हैं यूट्यूब व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है. एक और लास्ट कार्ड. तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स. तो यहाँ डेफिनेटली आपको देखिए, फाइव ऑफ फाइव तो पहली बार चेंज का नंबर होता है, बदलाव का. और ये दो कार्ड देखकर यहाँ लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और बहुत ज़्यादा ही इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि आप अपनी ही तबीयत ख़राब कर लेते हैं, कि खुद ही नहीं सोते हैं ढंग से, खाते हैं और उदास रहते हैं, और खुद को हमेशा दूसरों से अलग और कमरे में रखते हैं. और एस ऑफ वॉन्ड्स तो इस वक्त जो है आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ये ओवर थिंकिंग छोड़ दें. जो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ना, कि जिससे फालतू नेगेटिव सोचना, ये नेगेटिव थॉट पैटर्न को बदल दें. फाइव फाइव मतलब बदल दें, इनको बदल कर यहाँ आ जाएं एस ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब थर्ड आई चक्र, ये डायरेक्ट दिख रहा है आपको. थर्ड आई चक्र से सोचने की ज़रूरत है. थर्ड आई चक्र मतलब पता है क्या होता है? थर्ड आई मतलब कि भगवान के नज़रिए से चीज़ों को देखो. अगर आप अपने नज़रियों से देखेंगे तो हमेशा ओवर थिंकिंग में फंसे रहेंगे कि चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही, मेरे हिसाब से नहीं हो रही. पर हर सिचुएशन में, इसलिए तो भगवान ने थर्ड आई चक्र दिया है लोगों को, ह्यूमंस को, ताकि वो उसको भगवान के नज़रिए से देख सके. अगर ये भगवान ने किया है तो ये क्यों किया है, इसके पीछे क्या रीज़न है ना, यही एक थर्ड आई चक्र का रोल होता है. तो आपको यही करना है, थर्ड आई चक्र को अपना यूज़ करना है और ओवर थिंकिंग को बंद कर देना है, है ना. बस अभी, और आपको अभी कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं कि आपने बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी मिल गई आपको आपके पर्सन की तरफ से तो आप कोई भाई इमोशंस में आके एक्शन ले लें. नहीं, आपको अभी एक्शन नहीं करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को हील करना है. तो यही आज की रीडिंग का आपके लिए मैसेज था, आपके पर्सन की तरफ से मैसेज, और ये आपके लिए गाइडेंस. तो आई होप ये सब आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपसे मैच किया होगा. और अगर मैच किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पर्सनल रीडिंग्स के लिए कॉन्टैक्ट करें. एंड पर्सनल रीडिंग्स पेड रहती हैं, प्लीज़ अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ना करें. इट्स माई वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट. एंड हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.